इसके लिए हमने 500 ग्राम पोहा ले लिया है। तो इसमें मीडियम साइज का है, नहीं बड़ा साइज है नहीं छोटा है, मीडियम वाला चूड़ा है। इसको पहले हम रोस्ट करेंगे, मीडियम फ्लेम पे हमें रोस्ट करना है, हाई फ्लेम ना करें। जब तक हमारा एकदम क्रंच ना हो जाए तब तक हमें इसे भूनना है अच्छे से। पूड़ा हमारा बहुत अच्छे से भून चुका है, तभी इसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए कितना क्रंची हो गया है, टूट रहा है अभी, ठंडा होने के बाद और ही क्रंच हो जाएगा। इससे ज़्यादा हमें नहीं भूनना है। कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया है 5 से 6 चम्मच के करीब है, तो उसमें डालेंगे 1 चम्मच सरसों। ये हमने लिया है 3 गांठ लहसुन, ये लहसुन को हमने बीच से ऐसे कट कर लिया है, ये देखिए, नहीं तो चटकेगा हमारे मुंह पे आएगा। सभी लहसुन को हमने इस तरह काट के ले लिया है। तभी हमारे सरसों तड़क चुके हैं, इसमें डालेंगे लहसुन। इसे 1 मिनट के लिए हमें इसमें भूनना है, फ्राई करना है। लहसुन को भूनते हुए 1 मिनट के करीब हो चुका है, तभी इसमें हम डालेंगे मूंगफली, ये 400 ग्राम के करीब है। इसे भी हम भूनेंगे, जब तक हमारा मूंगफली चटकने ना लगे तब तक हमें भूनना है। मूंगफली के दाने चटकने लगे हैं, तभी इसमें हम डालेंगे कुछ कटे हुए नारियल, 50 ग्राम है, सूखा नारियल है ये। ये हरी मिर्च है, 5 से 6 मिर्च हमने लिया था, इस तरह का काट के ले लिया है। ये है करी पत्ता, ये थोड़ा ज़्यादा डालेंगे तो अच्छा लगता है करी पत्ता का टेस्ट। 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, जब तक कलर चेंज ना हो जाए तब तक हमें भूनना है। ये हमारे नारियल जो है वो भी अच्छे से पक जाए, कड़ी पत्ते और मिर्ची भी थोड़ा क्रंच हो जाए, तब तक हमें भूनना है। ये चीज़ें बहुत अच्छे से पक चुके हैं, अभी इसमें हम डालेंगे नमक, स्वाद के हिसाब से डालें। तो बढ़िया से नमक मिक्स करेंगे। अभी इसमें हम डालेंगे अपना भुना हुआ चूड़ा जो हमने पहले से रोस्ट किया था, उसे भी इसी में ऐड करेंगे। कढ़ाई हमारी थोड़ी छोटी पड़ गई, इसलिए हमें आराम से मिलाना है, नहीं तो बाहर गिर सकता है। जब तक कि हमारे पोहे पूरे पीले पीले ना हो जाए तब तक हमें मिक्स करना है। सभी चीज़ों को हमने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है, ये चाय के साथ बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, आप लोग भी बनाए खाएं। अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं कैसा लगा आप लोगों को।